हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक पफ स्लिप डिज़ाइन या फिर आपको गुब्बारे वाली आस्तीन भी कह सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का हमारा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा काफ़ी ज़्यादा यूनिक और क्रिएटिव होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपनी पफ स्लीव या फिर गुब्बारे वाली आसनी बनाना बताते हैं। तो इस आसनी के डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर ये हमने अपने कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर ये हमारा सिंपल एक प्लेन कपड़ा है और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आसनी बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने एक न्यूज़पेपर का। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक न्यूज़पेपर है जिस पे हमने अपनी नॉर्मली आसनी कटिंग कर ली है। जैसे आप अपनी सिंपल आसनी कटिंग करते हैं, आप भी ऐसे पेपर पर एक सिंपल आसनी कटिंग कर लीजिए। और ये हमने अपने पेपर पर आसनी की लंबाई 10 इंच रखी है, 10 इंच रखी है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस पेपर को कपड़े के ऊपर ऐसे रखेंगे और कपड़े के पेपर के बराबर में करीब 5 या 6 इंच कपड़ा ज़्यादा लेंगे, यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे। और लंबाई में भी हम यहाँ पर थोड़ा कपड़ा ऐसे एक्स्ट्रा लेंगे इस प्रकार से। और अब हम इसको ऐसे कट करेंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक पेपर फ्यूज भी यूज करेंगे। ये देखिए, ये हमने अपना चौड़ाई में और लंबाई में कपड़ा ज्यादा ले लिया है और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं अपना पेपर फ्यूज भी। तो ये हमारा एक पेपर फ्यूज है, ये चिपकने वाला पेपर होता है। इस पेपर की चौड़ाई हमने यहाँ पर 4 इंच ली है, लेकिन इसका यूज हम बाद में करेंगे, पहले आपको कपड़े का यूज करना बताते हैं। तो अपना ये चीज हम हटा देते हैं। अब आपको करना क्या है, हम इस कपड़े को ऐसे लंबाई में बिछाएंगे और यहाँ पे इसके बीच से मान लीजिए, जैसे कि आपको नापते हैं, पहले हमारे कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर बनती है 22 इंच, 22 इंच, 22 का हाफ होगा 11 इंच। तो यहाँ पे सेंटर में निशान लगा दिया है। अब हम सेंटर से थोड़ा दूरी पर इस साइड से अपने इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे एक हल्की प्लेट बनाएंगे और इसको यहाँ पर हल्का सा ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर एक प्रेस से इसको जमा देंगे हल्की, ताकि ये कपड़ा आपका जम जाए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको अपना कपड़ा उठाना है, एक सीधा कपड़ा उठाएंगे और यहाँ पर बारीक सी प्लेट बनाकर कपड़े को ऐसे पीछे से आगे की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करके यहाँ पे हम अपनी एक गर्म प्रेस से अपने इस फोल्ड कपड़े को ऐसे जमा देंगे। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पर ऐसे जमा दिया है। अब आपको इसके पीछे की साइड यहाँ पर कुछ प्लेटें और बनानी है। ऐसे हम अपना कपड़ा उठाएंगे और इसको पीछे से आगे की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैं फोल्ड कर दिया है। और इसमें हम आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पे हम अपने करीब 7 या 8 प्लेट बनाएंगे और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्लेटें आपको यहाँ पर ज़्यादा गहरी नहीं डालनी, मतलब आपको बारीक सी प्लेटें डालनी हैं। ये देखिए, अच्छे जमाया हमने। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कपड़े में यहाँ पर ऐसे प्लेटें बना दी हैं और ये हमने यहाँ पर करीब इसमें 7 प्लेट बनाई हैं। अब आपको प्रेस के बाद में करना ये है, आपको इसमें यहाँ पर कुछ सिलाई भी लगानी है। एक सिलाई हम इसके बीच में लगाएंगे, एक सिलाई ऊपर लगाएंगे और एक सिलाई इसके नीचे लगाएंगे, ताकि प्लेट आपकी और भी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर जमी रहे। इसके बाद हम आपको यहाँ पर पेपर फ्यूज़ का यूज़ करना बताएंगे कि कैसे आपको अपनी आस्तीन में पेपर फ्यूज़ को यूज़ करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी प्लेटों पर यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम आपको अपना पेपर फ्यूज का यूज़ करना बताएंगे, तो उसको हम हटा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक पेपर फ्यूज़ है, इसकी लंबाई हमने अपनी आस्तीन के कपड़े के अकॉर्डिंग ली है और चौड़ाई हमारे यहाँ पर करीब 4 इंच है, 4 इंच है। अब आपको करना ये है, आपको इस पेपर फ्यूज को बीच से ऐसे फोल्ड करना है। इसको हमने फोल्ड किया। अब फोल्ड करके हम इसके एक साइड यहाँ पे राउंड शेप देंगे, गोलाई में शेप देंगे इस प्रकार से। इसको हम यहाँ पे कट किया। अब आपको अपने इस पेपर फ्यूज को एक कपड़े पर अटैच करना है। तो ये जो कपड़ा हमारा साइड से बचा था, हम इस कपड़े का यूज करेंगे, बचे हुए कपड़े का यूज करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा, आपका कपड़ा भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा।
अब हम कपड़े के उल्टे साइड अपने पेपर फ्यूज़ को ऐसे रखेंगे और एक गर्म प्रेस से इसको यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे। तो ये हमने अपना पेपर फ्यूज़ प्रेस से कपड़े पे चिपका दिया है और बराबर से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। यहाँ ऊपर और नीचे हमने यहाँ पर सिर्फ क्वार्टर इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कट चुका है। अब आपको करना ये है, जो इसका ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड से आपको कपड़े को ऐसे अपने ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ पे हम इस पर प्रेस कर देंगे ताकि फोल्ड कपड़ा आपका ऐसे जमा रहे। ये कपड़ा ऊपर से फोल्ड करेंगे, नीचे से फोल्ड नहीं करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी आसनी कपड़े को ऊपर से फोल्ड कर दिया है और इसको हमने नीचे से ऐसे फोल्ड नहीं किया है, नीचे से अभी भी खुला हुआ है। अब हम आपको इस पैटर्न को आपको आस्तीन में जोड़ना बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी आस्तीन है। पैटर्न को आस्तीन में जोड़ने के लिए आपको इसे इसको घुमाना होगा, मतलब उल्टा कपड़ा हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे यूज़ करेंगे और यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर इसमें एक इस्तेमाल करेंगे अपनी एक डोरी वाली पाइपिंग। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी गोल्डन कलर की डोरी वाली पाइपिंग है। हम इसको यहाँ पर इसके ऊपर रखते हैं बिल्कुल बीचों बीच। आपको करना ये है, पाइपिंग का डोरी वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और जो मार्जिन वाला हिस्सा उसको नीचे रखेंगे। इस प्रकार से सेंटर में रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम अपने इस पैटर्न को रखेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, पैटर्न के और आस्तीन के बीच में आपकी डोरी यहाँ पर ऐसा आनी चाहिए। अब ये जो आपका कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इस एक्स्ट्रा कपड़े के बराबर में हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे ताकि आपकी डोरी, पाइपिंग और पैटर्न एक साथ एक सिलाई में यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाए, एक सीधी सिलाई में। तो ये देखिए दोस्तों, पैटर्न और आस्तीन के बीच हम अपनी पाइपिंग को ऐसे रखेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी आस्तीन और पैटर्न बिल्कुल बीच में होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ आपके बीच में ना हो तो आपका शेप खराब हो जाए। और सिलाई लगाएंगे इसमें हम अपनी, और सिलाई लगाने के लिए ये देखिए, हमने अपनी मशीन में यहाँ पर सिंगल बूट लगाया हुआ है। सिंगल बूट की मदद से आपकी डोरी वाली पाइपिंग बहुत अच्छी बनती है। और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये देखिए, जैसे ये आपकी डोरी वाली पाइपिंग है और डोरी का ये इसमें दो पार्ट होते हैं, एक डोरी वाला हिस्सा होता है, एक आपका मार्जिन वाला हिस्सा होता है। आपको जो सिलाई लगानी है वो डोरी और मार्जिन के बिल्कुल बीच में लगानी है यहाँ पर, ताकि आपकी पाइपिंग फिनिशिंग से और बहुत ही अच्छी बने। अब यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगाकर इन तीनों चीज़ों को आपस में अटैच करते हैं। देखिए, यहाँ पर इसको हमने अटैच किया। अब हम इसको ऐसे उल्टी तरफ से, मतलब अंदर से बाहर की तरफ को ऐसे पलटेंगे। ये देखिए, ये हमने अपनी पाइपिंग को और अपने पैटर्न को यहाँ पर ऐसे पलटा तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी पाइपिंग यहाँ पर ऐसे बाहर आएगी। अब आपको करना ये है, आपको यहाँ पर इसमें हल्की सी प्रेस कर लेनी है ताकि आपका पैटर्न यहाँ पर ऐसे अच्छे से जम जाए। तो ये हमने अपनी आस्तीन प्रेस कर ली है। अब हम ऐसी एक पाइपिंग इसके ऊपर लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए कपड़ा हमारा फोल्ड है यहाँ पर पैटर्न का, तो अब आपको करना ये है, ये पैटर्न के नीचे आपको अपनी पाइपिंग ऐसे रखनी है। यहाँ पर यहाँ अपनी एक डोरी वाली पाइपिंग यूज़ करेंगे, तो ऐसे हम इसको रख देते हैं इस प्रकार से अपने पैटर्न के नीचे और अपने पैटर्न के किनारे पर से लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी एक पाइपनेस के ऊपर भी लगा दी है। अब इसके बाद हम अपनी आस्तीन कटिंग करेंगे और इसमें इसका जो असली जो शेप है उसकी असली शेप देंगे, पफ वाली। तो अब हम अपनी आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन कटिंग करने के लिए ये हमारी एक कपड़े की आस्तीन है
और ये हमारी एक पेपर की आस्तीन जो कि हमने आपको शुरू में दिखाई थी। अब आपको इस पेपर को अपनी आस्तीन के बिल्कुल सेंटर में ऐसे रखना है। अब इसके बाद हम इसमें यहाँ पर इसके बराबर से कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसको हम पहले यहाँ बराबर से ऐसे बिल्कुल इक्वल कट कर देते हैं दोनों साइड से। ऐसे कट किया। अब इसके बाद हम इसको ऊपर से कट करेंगे, लेकिन ऊपर से कट करने से पहले हम यहाँ पर हमें एक निशान लगाएंगे। इस प्रकार से एक निशान तो हम लगाएंगे अपनी आस्तीन की शेप के अकॉर्डिंग, जिस तरह की आपकी आस्तीन की शेप है। इस प्रकार से ये हमने शेप का निशान लगाया। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी ऊपर से आस्तीन को अपनी पेपर के बराबर, पेपर के इक्वल नहीं कट करेंगे, इसको हम यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम इसको यहाँ तक कपड़ा बिल्कुल बराबर लेंगे और यहाँ से इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब ऐसे इसकी ऊंचाई ऐसे बढ़ा देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर करीब 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। इसका एक आसान तरीका ये भी है कि ताकि आपकी दोनों तरफ की शेप बराबर आए, आप पहले अपने इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लें बीच से। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपकी दोनों तरफ की शेप बराबर आएगी। ऐसे हमने फोल्ड किया, इसी प्रकार से अपने पेपर को फोल्ड कर लिया आप, और यहाँ पर ऊपर से करीब 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे हम इसमें और इसको कट करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमने इसको कट कर दिया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों लिया है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम अपनी ये जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी, इस सिलाई को निकाल देते हैं। ये सिलाई हमने इसमें ऐसे निकाल दी है। अब सिलाई निकालने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमने ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों लिया है। अब सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर एक सिलाई लगानी है जमाने के लिए, ताकि आपकी एक प्लेट यहाँ पर जम जाए और ये खुले नहीं। और इसके बाद में आपको अपने आस्तीन के नॉर्मल तरीके से, जैसे आपने एक सिंपल आस्तीन को कुर्ती, ब्लाउज, सूट में अटैच करते हैं, सेम इसी तरीके से आपको स्लीव्स को अपने आस्तीन में, सॉरी अपने ब्लाउज में, कुर्ती में, जहां पर इसको लगाना चाहें इसको आप लगा सकते हैं। आपके आस्तीन तैयार है। और एक्स्ट्रा कपड़ा का रीजन ये था कि ये जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, इस एक्स्ट्रा कपड़े का आपका बनेगा पफ या फिर गुब्बारा। देखिए जिस तरह का फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फोटो में जो आपका शोल्डर पे यहाँ पे जो ये पफ आया हुआ है, ये पफ आपका इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अगर ये आप एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे तो आपका ये पफ नहीं बनेगा कभी भी। इस एक्स्ट्रा कपड़े का ही इसमें यहाँ पर देखिए, जब आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो है इस तरीके से ऐसे फूल जाएगा आपकी आस्तीन में लगने के बाद, और आपकी प्लेट यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कुछ ऐसे खुलेंगी, तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा लुक आएगा, जो कि आपके बहुत अच्छा लुक आएगा, जो कि आपकी आस्तीन में जो भी आप यूज करेंगे, ब्लाउज में, सूट में, गाउन में, हर जगह लगने के बाद, तो आपको बहुत अच्छा लुक आएगा। और यहाँ पर आकर हमारा जो डिजाइन है बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद भी अगर आपको हमारी पूरी इस वीडियो में कुछ भी सीखने में परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करें, और आपको हमारा डिजाइन और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।